हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जयस मोची व्लॉग चैनल में। और दोस्तों देखिए, बारिश की पूरी मौसम की तैयारी, वैसे पूरा गुजरात पूरा जो है रेड अलर्ट पर है, पर आज जो है थोड़ा व्लॉग बना के आपको बताते हैं। गोत्री विस्तार में है हम, जैसे आप सभी जानते ही हो हम गोत्री विस्तार में रहते हैं। और गोत्री विस्तार में आपको कुणाल चारस्ता से लेकर सभी जगहों पर किस तरीके की पानी की परिस्थिति है, आप जहां पर है वहीं पर रहिएगा, बिल्कुल भी निकलिएगा मत। हम भी जो है करके आसपास थोड़ा सा राउंड लगा के वापस चले आएंगे, ताकि जो है आपको पानी की परिस्थिति कैसी है और आपको नहीं निकलना चाहिए, बस यही बताने का मेरा मोटिव है। और कुणाल चारस्ता मार्केट पर भी चलेंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। भाई चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना जरूर से, और फेसबुक इंस्टाग्राम सभी जगहों पर हमें सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए मैंने रेनकोट पहन लिया है, संगीता जी वीडियो बना सके इसलिए छतरी में है, तो बस ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आप बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी चीज आपको डिटेल से बताएंगे। चलो देखिए, आज आपको कुणाल चारस्ता मार्केट भी बता देते हैं। देखिए ये है पूरा बारिश के मौसम के अंदर, आप देख रहे हो पूरा जो है मार्केट खाली है। देखो बारिश गिरा हुआ है दोस्तों, देख लो, जिसकी वजह से मार्केट पूरा जो है बंद है। और जो है आज के दिन अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि परिस्थिति इस कदर है कि पूरा गुजरात रेड अलर्ट पर है। आप देख रहे हो कुणाल चारस्ता के पूरे स्टोर सभी आपको देखने को मिलेंगे, सभी फायर सेफ्टी साधन यहाँ पर है। और जिस तरीके का कुणाल चारस्ता मार्केट में अभी परिस्थिति है, पानी की वजह से सब कुछ बंद है। और देखिए ये है पार्किंग लॉट उस तरफ, ये पार्किंग एरिया है और यहाँ पर पूरा कीचड़ बना हुआ है। हो सकता है शायद मार्केट खुल जाए, बट आज के दिन में मार्केट को विजिट नहीं कीजिएगा, बहुत ही जो है सभी जगहों पर रेड अलर्ट है। तो बस ऐसे ही आपको जो है सेफ्टी चीज़ें दिखा रहे और सभी कुछ जो है इस वीडियो में बता रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। देखिए तो कुणाल चारस्ता से अभी निकल रहे हैं और अभी यहाँ से जो है गोत्री इस्कॉन मंदिर की तरफ जाएंगे। तो इस्कॉन मंदिर की तरफ भी जो है बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है, लोग इस तरीके का बता। ये जो है रास्ता पूरा कुणाल चारस्ता मार्केट आपको देखने को मिल रहा है। देखो ये सब भी चीज़ें बहुत ही बढ़िया डिटेल से बता रहा हूँ। और बादल देखो बहुत ही भरे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा बरसात होने का भी जो है रेड अलर्ट जाहिर किया हुआ है। गोत्री मेन रोड के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। देखो भाई कई कई जगहों पर जो पानी भरा हुआ था वो पानी अभी जो है कम हो गया है, बट घर से बाहर निकलने लायक बिल्कुल भी जो है वो माहौल नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर आपको देखिए पेड़ गिरा हुआ देखने को मिलेगा। देखो सामने जो है यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ आपको देखने को मिलेगा, देख लो देखा, जगह जगह पर इस तरीके की आपको देखने को मिल सकती है। और कई जगहों पर जो है ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है भाई, बहुत ज्यादा जो है आगे पानी भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों गोत्री मेन रोड है और पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हो ट्रैफिक की बहुत ही बड़ी समस्या है। देखो देखिए भाई दोस्तों पानी कितना भरा हुआ है, देखो बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ है और हम भी यहाँ पर खड़े रह के आपको बता रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और ऐसे में जो है आप बिल्कुल भी कहीं पर अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी मत निकलिएगा। देखिए हम भी जो है पानी में से निकल रहे हैं और सभी कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा निकाल कर चल लो, देख लो दोस्तों हरिनगर 5 रास्ता बिल्कुल पानी से भरा हुआ है बारिश की वजह से। देखो भाई बारिश ने बहुत ही ज़्यादा जो है माहौल ख़राब कर रखा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखो तो अभी हम इस्कॉन मंदिर की तरफ संगीता जी को कृष्ण भगवान को मिलना है।
तो वीडियो में बने रहिए कि आपको भी कृष्ण भगवान अगर दर्शन देते हैं तो बताएंगे भाई। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। चालू बारिश है, आप देख रहे हो और आपके लिए ब्लॉग बना रहे, सभी परिस्थिति आपको समझ में आए और जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा। और देखिए ये इस्कॉन मंदिर पहुंच गए, ये है इस्कॉन मंदिर और ये है दोस्तों देख लो गौत्री इस्कॉन मंदिर। रात को 12 बजे आपको दर्शन नहीं करवाए, सुबह के 12 बजे आपको दर्शन करवा रहे हैं। 27/8/2024 का दिन You cannot expect perfect knowledge from an imperfect person. Baba bolte hain ki aap perfect knowledge 1968. Somebody may argue that if the Holy Name is Lord. देखिए प्रसाद ले लिया है, केला और मीठा पेंडा ये है देख लो। तो भाई देखिए संगीता जी को दर्शन करने थे कृष्ण भगवान के, तो आज दर्शन भी हो गए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर से करिएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं आपके लिए बनाता ही रहता हूँ। तो चलिए प्रसाद खाते और आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों इस्कॉन मंदिर में दर्शन कर लिए और बारिश दोबारा जो है जबरदस्त चालू हो गया है। तो यहाँ से जो है इस्कॉन मंदिर आप देख रहे हो, देखो जो है प्रथम कॉम्प्लेक्स की ओर। बहुत ही ज्यादा दोस्तों बारिश शुरू हो गया है। देखिए प्रथम कॉम्प्लेक्स के पास हम पहुंच गए हैं। यहाँ से कल बहुत ही बड़े न्यूज आ रहे थे कि आसपास की सोसाइटियों में बहुत ही ज्यादा जो है पानी भर गया है। और देखिए आप देख सकते हो यहाँ से हम टर्न लेंगे और आप देखोगे हमारे पीछे, देखो पूरा जो व्हाइट बताए ये प्रथम कॉम्प्लेक्स है देख लो। और ये प्रथम कॉम्प्लेक्स तो देखिए प्रथम कॉम्प्लेक्स से सामने वाले रास्ते, यहाँ से जो है ब्रिज के नीचे हम दोबारा निकलेंगे इस्कॉन मंदिर के पीछे वाले रास्ते से होकर ये अरे गौर आप देख सकते हो। देखो ये जो दृश्य है मैं आपको जो न्यूज की बात कर रहा था वो ये है। हम भी देखो बहुत ही ज़्यादा जो है पानी के अंदर चल रहे हैं। ये देखिए ये है गाड़ी हमारी और देखिए इस तरीके का पानी पूरा भरा हुआ है। इससे जो सामने गाड़ी निकल रही है आप देख रहे हो भाई, चारों ओर जो है पूरा पानी भरा हुआ है। देखो मुझे जो है गाड़ी निकालने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो भाई बहुत ही ज़्यादा जो है पानी भरा हुआ है। हरिनगर वाला जो ब्रिज है वहाँ से जा रहे हैं और देखो इस तरफ साइड देखो पानी कितना भरा हुआ है यहाँ पर गाड़ी पर। देखो ये देखो पानी भरा हुआ है, ये रोड पर काफी ज्यादा जो है पानी अभी भरा हुआ है देख लो।
જો નીકળાય એવું હોય તો જ કાઢજો તે. ચાલો લા જેમ એમ. તો ભાઈ દોસ્તો જે इसलिए मैंने आपको बताया कि पूरा गुजरात जो है अकल पर है. आप देख रहे हो कि जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं तो पता भी नहीं चलता है, ऐसी परिस्थिति है. तो आप जो है ज़रूरत समझ रहे घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा. और आप परिस्थिति देख रहे हो, देखिए पूरा जो है पानी भरा हुआ है पूरे चारों ओर. गुजरात वडोदरा के अंदर पूरे इसी तरीके से ट्रैफिक जो है बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों. देख सकते हो एक तरफ जो है टीबी हॉस्पिटल वाले रोड पर बहुत ही ज़्यादा जो है पानी भरा हुआ है और एक तरफ से हम निकल रहे हैं, देख लो. तो भाई इस तरीके की समस्या है जगह जगहों पर. रोड के आसपास आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बंद पड़ी हुई गाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी. कई स्कूटर कई फोर व्हीलर कई गाड़ियाँ बहुत सारी बंद पड़ी है. और देखिए पानी की परिस्थिति देखिए, चारों ओर जो है पानी ही पानी है और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है. देखिए चालू ये देखो गोदरी तालाब के नज़ारे दिखा रहे हैं जहाँ पर आप लोग सेल्फियाँ लिया करते हो. अभी जो है पूरा पानी भरा हुआ है, देख लो. देखिए गोदरी तालाब पर खड़े हैं जहाँ पर सेल्फी वगैरह लेने के लिए पॉइंट बनाया गया हो. और देखिए बारिश का पानी देखिए पूरा जो है नज़दीक आ गया किनारे पर. इस तरीके से देख सकते हो आप भाई, देखिए पूरा पूरी की पूरी गुजरात वडोदरा शहर के अंदर इस तरीके का माहौल है. तो अगर ज़रूरत नहीं है तो कहीं पर भी निकलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जगह जगह पर रोड पर इतने सारे खड्डे वगैरह है जहाँ पर हमें पता भी नहीं चलता है. और गाड़ी जैसे कि आपने देखा हमारी भी गाड़ी खड्डे में गिरी और काफ़ी ज़्यादा जो है बंद भी होने वाली थी, पर कैसे भी करके हम जो है निकल गए. तो भाई इसी तरीके से सेफली बने रहिएगा जहाँ पर हो. गोदरी तालाब से गुजर रहे हैं और तालाब का माहौल आप देख सकते हो और ऊपर आसमान भी देखो. आसमान कह रहा है घर से बाहर मत निकलिएगा, अभी मेरी बैटिंग बाकी है समझिएगा. तो ज़रूरत के बगैर बाहर मत निकलना. देख लो पूरा गोदरी तालाब भरा पड़ा है, देख लो ये आप देख सकते हो. देखो पूरा जो है तालाब यहाँ पर भरा हुआ देखने को मिलेगा. देख लो ये पूरा जो है किनारा, पानी जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है. देखो जहाँ पर हम खड़े हैं ये रोड है, ये डिवाइडर खाली बीच में बाकी है और यहाँ तक पानी आ गया है. ये है गोदरी रणछोड़ राय जी मंदिर, देख लो भाई. अभी भी बहुत ही ज़्यादा मंदिर के अंदर भीड़ है, लोग दर्शन करने आ रहे हैं. और आपको बता दूँ कि जैसे ही बारिश बंद हो गया है वैसे आप देख सकते हो मार्केट के अंदर भी ज़्यादा लोग जो है अपनी अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें बटोरने के लिए आ गए हैं. और कहीं कहीं पर आपको जो है ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिलेगी. देखिए भाई इस्कॉन है, ये है इस्कॉन हाइट्स गोत्री आत्मज्योत मंदिर वाला रास्ता और गोत्री मेन रोड है. देखिए आपके फेवरेट जो है आलू प्याज वाले, भर बरसात के अंदर भी आपको जो है आलू प्याज टमाटर सब कुछ मिल जाएगा और जो है प्राइस जो है मार्केट के हिसाब से चेंज होती रहेगी. तो भाई गोत्री रोड पर आलू प्याज खरीदना है तो भाई के पास जरूर से आ जाना. तो भाई दोस्तों देखिए बारिश ने जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें जगह दे दी, जिससे कि आपको ब्लॉग बना के दे दें, भगवान के दर्शन भी आपको करवाए इस ब्लॉग के अंदर. और जो है बारिश जो है इस्कॉन टेम्पल के पास ही हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिली. बाकी जो है अभी देख सकते हो आप धूप निकल गया है. तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा. फेसबुक इंस्टाग्राम सभी जगहों पर हमें सपोर्ट करते रहिएगा. देखिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपके लिए हम बनाते रहते हैं. चालू बाइक पर है फिर भी हम ब्लॉग का एंड जो है शूट कर रहे हैं. तो भाई बस ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे. आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा. इंस्टाग्राम पर जैसे सपोर्ट करते हो आप, फेसबुक और यूट्यूब पर भी सपोर्ट कीजिएगा. फिर ब्लॉग बनाने का चालू करेंगे. बहुत सारे एग्जीबिशन, बहुत सारे लोकल मार्केट्स न्यू खुल रहे हैं, उसके हम जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर है आपके ही सपोर्ट की वजह से. तो बस ऐसे ही बने रहिएगा. चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो करते रहिएगा. चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में. तब तक के लिए भारत माता की जय. जय जय गुरु मित्रों.